शब्दों का एक अद्भुत संसार है। वो संसार यौगिक संसार है, जहां शब्दों की अपनी एक भाषा है। शब्द पुरातन है, पहले के ऋषि मुनि आपने देखे होंगे कितने सधे हुए शब्द बोलते थे और पॉजिटिव। अभी मिथ्या शब्दों का उच्चारण करते रहते हैं, तो मिथ्या शब्द जो हैं वो शब्दों के शब्दावली में रिकॉर्ड नहीं होते। शब्दकोश में कौन से शब्द रिकॉर्ड होते हैं? जो ऊर्जा से भरे हुए, जो उन्नति से भरे हुए, निर्माणता से, प्रेरणा से भरे हुए। तो हमारे शब्द ऊर्जा से भरे हुए कैसे हों, कैसे प्रेरणा और कैसे निर्माणता से, उसके लिए पल पल अपने आप को साधना पड़ेगा। मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं साधु हूं। निर्वाणता को प्राप्त करने वाला साधु, अमरता को, अचल अडोलता को प्राप्त करने वाला मैं साधु। और साधु के शब्द कितने मर्यादित और कितने अनुशासन वाले। एक लक्ष्य तो देना ही पड़ेगा ना अपने आप को। आपका बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, आपका बच्चा एमबीबीएस का स्टूडेंट है, उसके सामने लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है। एक लक्ष्य है उसके सामने। तो जैसे ही उसके सामने लक्ष्य आया, मुझे एडवोकेट बनना है, तो उसका सोचने का, उसका बोलने का, उसकी भाषा मर्यादित होने लगे। जो भाषा वो 12th तक बोलता था, अब उसकी भाषा उससे भिन्न होती चली जाती है। उसका बोलने का, बात करने का, देखने का तरीका बदलता चला जाता। इसी तरीके से मेरा लक्ष्य क्या है? निर्माणता। निर्माणता का मतलब हर घड़ी आगे बढ़ना। किस में आगे बढ़ना? सहजता में आगे बढ़ना। पहले मैं छोटी छोटी बातों में असहज हो जाता था, अब मैंने सहज रहना, बड़ी बड़ी बातों में भी सहज रहना शुरू कर दिया। पहले मेरा जल्दी जल्दी धैर्य खो जाता था, अब मेरा धैर्य
पहले से काफी परिपक्व हो गया है। पहले मैं छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाता था, अब बड़ी बड़ी बातें भी मुझसे कंट्रोल होने लगी हैं। पहले मैं किसी के बारे में भी कुछ भी विचार करके बैठ जाता था, अब मैं जल्दी से किसी के बारे में कोई विचार करता नहीं हूं। दूसरों का चिंतन रहता था ना पहले, अब मेरे मन में दूसरे नहीं है, अब मैं स्वयं का चिंतन करता हूं। ये निर्माणता है। पहले इधर उधर देखने में, ताकने झांकने में मेरा समय पूरा होता था, अब मैं भीतर की ओर देखता हूं, स्वयं को देखता हूं। पहले छोटी छोटी बातों में विचलित हो जाता था, अब बातों को हैंडल करने लगा हूं। ये क्या है? ये निर्माणता। तो साधु का मतलब ही है निर्माणता। ये सब कैसे आएगा? जब मैं अपनी कथनी पर, अपनी करनी पर और अपनी रहनी पर ध्यान दूंगा। मेरे शब्द परमात्म शब्दावली में तभी ऐड होंगे जब मेरी कथनी करनी रहनी निर्माणता की होगी। ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, बस आपको अपने आप को गृहस्थी ना मान के मैं एक फैमिली वाला बंदा हूं, मैं बहू हूं, मैं सास हूं, मैं देवरानी जेठानी हूं, ये ना मान के आपको अपने आप को एक साधु मानना है। मैं संत हूं। संत की परिभाषा क्या होती है? संत की, जैसे एडवोकेट की परिभाषा क्या है? समाज में जितनी भी असमानता है, अराजकता है, उसको कंट्रोल करना। डॉक्टर की परिभाषा क्या है? जितना भी रोग शोक है, उस पर जीत पाना। इंजीनियर की परिभाषा क्या है? नए नए कार्यों को अंजाम देना। ये इंजीनियर की परिभाषा। तो संत की परिभाषा क्या है? संत की परिभाषा है विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें, सब दिशा में आ जाएं। अभी तो दिशाहीन है ना, सबको दिशा मिल जाए। जो दिशा भ्रमित है उनके जीवन में दिशा आए। और ये कब होगा, कैसे सहयोग करेंगे आप इसमें परमात्मा का और समाज का? जब पहले अपना सहयोग करेंगे, जब पहले अपने को दिशा देंगे, जब पहले अपने लिए नई राह चुनेंगे, जब अपने लिए ये समझ लेंगे कि मेरे शब्द परमात्म शब्दावली में ऐड हो रहे हैं। आज भी साइंस इस बात पर लगी हुई है कि राम के समय में कौन कौन से संवाद
बोले गए थे जो ब्रह्मांड में आज भी गूंज रहे हैं। साइंस इस बात पर अभी भी शोध कर रही है। तो आपके शब्द निरअहंकारी हूं। एक दिन में निरअहंकारी शब्द होना जाएंगे, इस पर विचार करेंगे, इस पे कार्य करना पड़ेगा, इस पर जागृति लानी पड़ेगी कि मेरे शब्द निरअहंकार हो जाएं। और निरअहंकार कब होंगे? जब तू ही तू रह जाए, जब मैं का पूरा समर्पण हो जाए, तू ही तू रह जाए, तो शब्द कैसे हो जाएंगे? निरअहंकार। क्या हो जाए और कैसे हो जाए? शुभ। हर एक के लिए शुभ संदेश, शुभ बोल, शुभ भाषा। तो भी आपके शब्द परमात्म शब्दावली में ऐड हो जाएंगे। आज कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, कितने बड़े बड़े महाकाव्य, जितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, ये पता है ना, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। क्या है उसमें? तुलसीदास जी के शब्द। सहमत हो? वेद व्यास जी के शब्द महाभारत में, वेद व्यास जी। रामायण तुलसीदास जी। गीता परमात्मा के द्वारा, गीता में परमात्मा के शब्द, परमात्मा के बोल हैं गीता में। वो शब्द क्या बन गए? संसार को दिशा दिखाने वाले बन गए ना। शब्द ही तो है ना उसमें। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक के शब्द, गुरु नानक के बोल ही तो है गुरु ग्रंथ साहिब में। ऐसे कुरान, ऐसे बाइबल। मर्यादित शक्ति से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए शब्द जब कागज पर उतरे, जब कागज पर उतरे सारे शब्द, तो क्या बन गए? ग्रंथ बन गए, बन गए ना। तो इसी तरीके से आपके द्वारा रचित शब्द, वो भी क्या बन जाएंगे? ग्रंथ। 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद वही ग्रंथ गाए जाएंगे। तो सोचो, मेरे शब्द कितने सधे हुए हों, कितने अनुशासित हों, कितने मर्यादित हों, और कितने दूसरों के लिए प्रेरणादायी। इन सब के लिए पीछे क्या लगा हुआ है? इन सब के पीछे क्या लगा हुआ है? ऊर्जा। खाली बल्ब रख दो और ऊर्जा से भरे हुए ना हो, मोमबत्ती रख दो ऊर्जा से भरी हुई ना हो, तो कैसी लगेगी? शब्द एक बल्ब की भांति
और ऊर्जा उसकी बिजली। तो मैं स्वयं को कितना ऊर्जावान बनाता हूं, और ऊर्जावान बनाकर बोलता हूं, तब दूसरों के ऊपर शब्दों का असर आएगा। अगर मेरा ध्यान नहीं है, मेरे ध्यान से एकत्रित की हुई मेरे पास ऊर्जा का स्टॉक नहीं है, तो मेरे बोल, मेरी दृष्टि, मेरे कर्म वो फलीभूत ना होंगे, और मेरे पास स्टॉक ध्यान का है, मेन स्टॉक जो मेरे पास है वो ध्यान का स्टॉक है। उस ध्यान के स्टॉक से मैंने जो शब्द बोले, उससे जो मैंने देखा, उससे जो मैंने सोचा चाहा, तो वो जो ध्यान की ऊर्जा है वो शब्दों को भी, दृष्टि को भी और सोच को भी परिपूर्ण बना देगी, इच्छित वर दान बना देगी कि आपने ये शब्द बोले थे, ये पूरे हो गए। क्या कहेंगे? उन्होंने ये शब्द बोले थे, ये पूरे हो गए। कब? जब सधे हुए होंगे, जब ऊर्जा से भरे हुए होंगे। तो ऊर्जा मेरे लिए कितनी मायने रखती है, मतलब ध्यान से एकत्रित की हुई ऊर्जा मेरे लिए, मेरे स्वयं के, समाज के, परिवार के कल्याण के लिए, बहुत जरूरी है। कितना साधता हूं, बच्चे का जितना प्रैक्टिकल सुंदर होता है उतना ही उसका नाम आगे होता है, उतने ही मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। और मेरा प्रैक्टिकल क्या है? अनेका अनेक रूपों से स्वयं को साधना। अगर ये बात सामने आती है तो उस समय में कैसे साधें? मन विचलित तो हो रहा है, अनेका अनेक विचार आ रहे हैं, तो उन विचारों के समय विचारों को कंट्रोल कैसे करें, और कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इस पूरी बात की जांच पड़ताल करना। विचारों का उद्गम क्या है? वहीं से, उद्गम से ही जो वेस्ट और नेगेटिव विचार हैं उनको वहीं खत्म करना। और खत्म करने के लिए क्या चाहिए? मन की शक्ति। समय रहते रहते मैंने मन की शक्ति को अर्जित किया हुआ होगा, मन को कंट्रोल करना आता होगा, तो जब विचारों का फुवारा फूटता है, मैं तभी उन विचारों को कंट्रोल कर सकता हूं। अब पहले से विचार उतने हावी नहीं होते और उतने विचार भी नहीं आते। जितने पहले विचारों का आवागमन चलता रहता था, अब उतने विचार भी नहीं आते और विचारों का फव्वारा भी तेज गति से नहीं फूटता। पर यदा कदी जब फूट जाता है तो मुझे कंट्रोल करना आ गया है। सभी को अब कोई है जो विचारों के बहाव में बह जाता है? पता चल गया है ये बेकायदे विचार मेरी सारी शक्ति को क्षीण कर देते हैं।
आपने गंगा जल भर के रखा, आपने प्योर दूध प्योर घी भर के रखा, और किसी भी कारण से वो बोतल उलट गई तो सब बह गया ना, चाहे कितना भी कीमती भरा हुआ हो। इसी तरीके से मैं जो शक्तियां तपस्या के द्वारा अर्जित कर रहा हूं, तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मैं अर्जित कर रहा हूं वो मेरे लिए बहुत कीमती है, ये मैं हिसाब लगाऊंगा। और बेकायदे विचारों के कारण मैं अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं होने दूंगा। ये ना बहुत प्योर गाय का घी है, ये ऐसे ही जबरदस्ती यूज करने वाला नहीं है, ये मैंने बहुत दूर से बहुत बढ़िया प्योर घी मंगवाया है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से अपनी साधना की कीमत को समझो। मैंने एक-एक सेकंड, एक-एक श्वास जमा करके ये साधना की शक्ति को अर्जित किया है, और बेकायदे बातों में, बेकायदे देखने में, देखने से शक्ति बहुत वेस्ट होती है, और बेकायदे सुनने में, क्योंकि जो भी अंदर जाएगा अंदर उसका मंथन तो चलेगा ना, जो देखेंगे उसका भी चलेगा, जो सुनेंगे वो भी चलेगा, और फिर जो देखेंगे सुनेंगे वो सोचेंगे भी, और फिर वो ही बोलेंगे भी, कान की भी एनर्जी वेस्ट गई, आंखों की भी, बोल की भी, और सोच की भी, मन की भी। तो जब आपका ध्यान इस बात पर है कि समाज को, परमात्मा को मुझे नई दिशा दिखानी है, मुझे नई दिशा दिखानी है, तो मेरे बोल कितने पावरफुल होने चाहिए, और बोलों में पावर कैसे आएगी? ध्यान के द्वारा, ध्यान से अर्जित की हुई शक्ति के द्वारा। ये बात की अहमियत को मुझे समझना है। बच्चा पढ़ रहा है और बच्चे को यही ना पता चले कि वो मेहनत तो दिन रात कर रहा है, फिर नंबर क्यों नहीं आ रहे उसके, नंबर कहाँ कट हो रहे हैं, तो क्या होगा? घाटा पड़ जाएगा। बच्चा मेहनत तो पूरी कर रहा है लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, बच्चे को पता ही नहीं मेरा वीक पॉइंट कहाँ है। इसी तरीके से मुझ साधु को भी अपने वीक पॉइंट को खत्म कर लेना है। जब मैंने इस बात की अहमियत समझ ली है कि मेरा पुरुषार्थ, मेरी करनी समाज को एक नई दिशा, नया परिवर्तन, नई क्रांति लाने वाली है, तो फिर मैंने बेकायदे बातें छोड़ देनी। एक आजादी दिलाने वाला जो वॉरियर है उसके दिमाग में हर समय आजादी, गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, यहां से वहां से जहां से तहां से उसको आजादी का कोई भी क्लू मिले, वो कोई क्लू छोड़ने वाला नहीं। स्वतंत्रता सेनानी, और कहीं भी अपनी मिस्टेक को खत्म करनी हो, उसकी कोई मिस्टेक है जिससे
आजादी में खलल पड़ सकती है, तो स्वतंत्रता सेनानी अपनी कोई भी मिस्टेक से रूबरू हो नहीं सकता, वो अपनी मिस्टेक को खत्म कर लेता है जिसको आजादी पानी है। कि मेरी ये कमी ये कमजोरी मुझे आजादी दिलाने में विघ्न पैदा कर सकती है, स्वतंत्रता सेनानी उसे हमेशा के लिए अपने जीवन से काट देते हैं। तो मैं कौन? मैं परमात्मा वॉरियर, परमात्मा का योद्धा हूं मैं किससे आजादी दिलवा रहा हूं? विकारों से, अपने ही स्वयं की मन की परतंत्रता से। आज सब मन के वशीभूत हो रखे हैं ना, मन कंट्रोल में नहीं है ना, तो पहले मुझे अपने आप पर आजादी पानी है और फिर दूसरों पर आजादी दिलाने की भरसक प्रार्थना, भरसक पुरुषार्थ, भरसक जागरूकता लानी है। एक शिकारी होता है, हर समय उसके शिकार की पड़ी होती है, हर समय उसके मन में शिकार बसा होता है, कैसे करके शिकार मिले। तो आप कौन हो? शिकारी। और आपको शिकार करके परमात्मा तक पहुंचाना है। तो संसार में जो बेलगाम हो गए हैं, जो अमर्यादित हो गए हैं, उनका शिकार कर बस ध्यान इसी बात पे रहना चाहिए, किसकी कमजोर नब्ज पकड़ूं और परमात्मा तक पहुंचाऊं। कोई आपको अपने दुख की बात सुनाता है, कोई आपको दुख की बात सुनाता है, सुनो उसकी। और सुनो भी कैसे, वाइब्रेशन देते जाओ शांति के, वाइब्रेशन देते जाओ जिस समय सुन रहे हो परमात्मा के, संतुष्टता के, वाइब्रेशन देते जाओ, सुनते जाओ, वाइब्रेशन देते जाओ। यहां मस्तक के बीच उसको ये भी लगेगा कोई मेरे दिल की सुनने वाला है, किसने समय निकाल के मेरी सुनी। आपने सुन ली उसकी बात और वाइब्रेशन देते रहे, आपसे मिलके उसको संतुष्टता मिलेगी, अपनापन मिलेगा, शांति मिलेगी। जब ये हो जाए, उसका खाली कर दो, तब आप अपनी बात रखो, सहज बात। देख, तू चाहता है तेरे सारे दुख खत्म हो जाए, तेरी पीड़ा खत्म हो जाए, तो तू परमात्म मार्ग पर चलने का प्रयास कर। जब वो आपकी बात सुनेगा, एकदम से आप अपनी बात सुनाने लगोगे, उसको समझ ही नहीं आएगी। क्यों? ऑलरेडी वो पहले अपने दुख से भरा हुआ है। जब उसका दुख खाली होगा, जब उसका कूड़ा बाहर निकलेगा, तब आपका प्रेम, आपका अपनापन, आपका परमात्म संदेश, आपका दिया हुआ परमात्म संदेश उसके भीतर उतरेगा। तो ध्यान योग
ज्ञान योग धारणा और सेवा। आगे बढ़ने के चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। आगे बढ़ने के चार सब्जेक्ट। ज्ञान में भी मेरी पकड़ अच्छी हो, इतनी समझदारी रखूं, इतना समझता रहूं ज्ञान को, ध्यान भी पक्का हो। जब ज्ञान और ध्यान पक्का होगा तो धारणा भी पक्की हो जाएगी, जो सुनूं उसे धारण करूं। अगर वो बात मेरी धारणा में नहीं है, तब भी मैं दूसरों पर छाप लगा नहीं सकता जब तक मेरी धारणा में नहीं है। तो धारणा में भी बात उतर जाए तो सेवा भी परिपूर्ण हो जाएगी। किसी ने रसगुल्ले की डिमांड की, आपने उसको सूखा रसगुल्ला खिला दिया, उसकी तो सेटिस्फेक्शन ना हुई ना। जूसी फल ना दिया, सूखा फल दे दिया। तो पहले अपने अंदर जूस लाओ, पहले अपने अंदर रस लाओ, पहले अपने अंदर पूर्णता लाओ। जब आप रसीले, आप सुरीले, आप जूसी बन जाएंगे। जूसी किससे बनेंगे? प्रेम से। पर प्रभु प्रेम, प्रभु वात्सल्य से जूस आएगा। और जब जूसी फल बन जाएंगे, परमात्मा के प्रेम में खो जाएंगे, और वो प्रेम भरा इंजेक्शन किसी को देंगे, तो वो भी प्रभु प्रेम में खींचा चला आएगा, वो भी आज थोड़ा थोड़ा कम चाहे, लेकिन थोड़ी बहुत डोज तो उसके अंदर भी जाएगी ही जाएगी, चाहे थोड़ी जाए। पर आपका निशाना ऐसा हो एक ही बार में, धैर्य से, अचल अडोलता से, प्रेम से भरा हुआ इंजेक्शन सामने वाले के अंदर उतार दो। उसके लिए चाहिए एकाग्रता। एकाग्र होकर उसको देखेंगे, एकाग्र होके तो वो सारी दवाई उसके अंदर उतर जाएगी। ये आपने आज सेवा करने का तरीका और उसके लिए क्या-क्या तैयारी हो ये समझा।